नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर स्टार एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करना, वो भी विदाउट वीबीए कोड से। जैसा कि जब भी हम डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करने जाते हैं तो हमारे मन में जो सबसे पहले आता है वो आता है वीबीए कोड के बारे में। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एमएस एक्सेल में इनबिल्ट एक ऐसा फीचर्स है फॉर्म नाम से, जिसकी हेल्प से हम डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए हम सबसे पहले इसका डेमो देख लेते हैं और मैं आपको कुछ एंट्री करके दिखाता हूं कि हम किस तरह कर सकते हैं, ओके, विदाउट वीबीए कोड की हेल्प से। तो अब देखिए, मैंने यहाँ हमारा जो डेटा एंट्री फॉर्म का जो हेडिंग है, कॉलम्स मैंने वो लिया है, जिसमें मैंने लिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज और सिटी। उसके साथ साथ हमें इस जगह पर डेटा एंट्री करना है। मैंने यहाँ थोड़ा सा ही जगह लिया, आपके केस में हो सकता है ज्यादा हो, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ही लिया। अब हमें जाना होगा डेटा एंट्री टैब में। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास ये टैब नहीं है। जी हाँ, ये टैब मैंने इंसर्ट किया है। मैंने किस तरह इंसर्ट किया है मैं आपको वही पूरी डिटेल्स के साथ सिखाऊंगा, ओके। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए फॉर्म सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर्म। हमें पहले क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ जाता हूँ, उसके बाद देखिए ओके प्रेस करेंगे, उसके बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डेटा एंट्री करता हूँ, मैं अपना नाम ही देता हूँ फर्स्ट में, ओके। टैब प्रेस करके जेंडर में आएंगे, मेल, एज 25, सिटी कोलकाता। उसके बाद हमें क्लिक करना होगा न्यू में, ओके। तो देखिए आपके सामने अगेन वो खाली हो चुका है, आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। मैं फिर से एंट्री करता हूँ, टैब प्रेस करके नीचे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एंट्री होते जा रहा है। ये बहुत ही आसान है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ और भी सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको सभी ऑप्शन का यूज करना सिखाऊंगा और मैंने इस टैब को किस तरह लाया है मैं आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ हमारा जो टेबल है जिसमें हम एंट्री करेंगे उसके सभी हेडर को मैंने लिया है, जिसमें मैंने लिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज और सिटी। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ जो हमारा डेटा एंट्री टैब जो था वो हमें यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमारे उस टैब को इंसर्ट करना होगा, उसके अंदर हमें फॉर्म फीचर्स को लाना होगा। तो उसे हम किस तरह करेंगे, चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें रिबन के कहीं भी जो खाली जगह है उसमें हमें राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा कस्टमाइज द रिबन पे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, जिसमें हमें स्क्रॉल करते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जितना भी टैब है हमें यहाँ सभी शो हो रहा है। हमें पावर पिवट पे चेक लगाना है। अब आप पूछेंगे कि सर पावर पिवट पे चेक हम क्यों लगाएं। आपके केस में कुछ और हो सकता है। आपको जिस टैब के बाद आपको डेटा एंट्री टैब, जो मैंने नाम दिया है डेटा एंट्री टैब, आप उसे कोई और नाम भी दे सकते हैं, आपको इंसर्ट करना है, उस टैब पे आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल इसे डिटेल्स में समझते हैं, मुझे पावर पिवट जो हमारा टैब है उसके बाद हमें डेटा एंट्री टैब इंसर्ट करना है, यानी कि न्यू टैब इंसर्ट करना है। इसीलिए मैं यहाँ पे पावर पिवट पे चेक लगाया हूँ, क्लिक किया हूँ। अगर आपके पास पावर पिवट नहीं, आपके पास और भी सिर्फ चार टैब है, तीन टैब है या कोई भी टैब है, आप जिस टैब के बाद आपको इंसर्ट करना है न्यू टैब, आपको उस टैब पे चेक क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने पावर पिवट पे क्लिक किया क्योंकि हमें पावर पिवट के बाद न्यू टैब यहाँ इंसर्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ क्लिक करना है न्यू टैब पे। तो आप देख सकते हैं कि आपका न्यू टैब कस्टम नाम से टैब इंसर्ट हो चुका है। हमें इसका नाम को बदलना होगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये ब्लू कलर से हाईलाइट होगा, देन हम रीनेम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नाम दे देते हैं हम डेटा एंट्री, डेटा एंट्री टैब हमने नाम दिया, देन ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका नाम डेटा एंट्री टैब हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, न्यू ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स क्या होता है, जिस तरह हमारे पास टैब है
होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इस तरह हमारे पास बहुत से टैब है। उस टैब के अंदर हमारे पास कुछ ब्लॉक, ग्रुप या सेक्शन कह सकते हैं, हमें वो देखने को मिलता है। जिस तरह देख सकते हैं होम के अंदर हमें एक ब्लॉक या ग्रुप कह ले या सेक्शन कह ले, क्लिपबोर्ड नाम से मिल रहा है, उसके बाद फॉन्ट नाम से मिल रहा है, अलाइनमेंट नाम से मिल रहा है, नंबर नाम से मिल रहा है, उस तरह उसे ही ग्रुप कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा एंट्री टैब है उसके अंदर एक ग्रुप हो जिसका नाम हो फॉर्म सेक्शन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देन जाएंगे रिनेम में और यहां हम लिख देंगे फॉर्म सेक्शन। देने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे। देखिए हमने क्या किया, डेटा एंट्री टैब हमने इंसर्ट किया, उसके अंदर हमें ग्रुप सेक्शन भी, फॉर्म सेक्शन भी इंसर्ट कर दी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ इसके अंदर फॉर्म फीचर्स को लाना होगा। अब उसे हम किस तरह लाएंगे चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम लेंगे कमांड्स नॉट इन द रिबन। जाने के बाद हम स्क्रोल से नीचे आएंगे, स्क्रोल करते हुए, और यहाँ हम ढूंढेंगे फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें मिल चुका है, देन हम इस पे जाएंगे, फिर जाएंगे एड पे, देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि आपका नया टैब इंसर्ट हो चुका है डेटा एंट्री टैब नाम से, जिसके अंदर फॉर्म सेक्शन के अंदर हमें फॉर्म फीचर्स देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम कुछ एंट्री करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो टेबल है जिसके अंदर हम एंट्री करना चाहते हैं उसके जो कॉलम हेडर है उसे हम सेलेक्ट करेंगे जितना भी है। उसके बाद हम डेटा एंट्री टैब के अंदर जाएंगे फॉर्म में, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो डेटा एंट्री फॉर्म है वो आपको शो हो रहा है, वो भी विदाउट VBA कोडिंग। तो हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो यहां भी देखिए पहला जो कॉलम है फर्स्ट नेम का, तो हम यहां लिख देते हैं राहुल। टैब प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे लास्ट नेम में मल्लिक, जेंडर। टैब प्रेस करके नीचे आएंगे, सिटी पूछ रहा है हमसे, तो सिटी भी देते हैं। देन हम न्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपका देखिए रिकॉर्ड एंट्री हो चुका है। अगेन हम एक और एंट्री करते हैं, ओके टैब प्रेस करके नीचे आएंगे, सभी डिटेल्स को हम फिल करेंगे, ओके विदाउट कोड, विदाउट VBA कोड का ये बहुत ही इजी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देन अगेन हम न्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये रिकॉर्ड हो चुका है। एक और करते हैं हम, ओके तो इस तरह हम एंट्री कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके एंट्री होते हुए आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें इस फॉर्म के अंदर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। न्यू मैंने बता दिया, जब आप एंट्री करेंगे उसके बाद अगर आपको न्यू एंट्री करना है तो आप क्लिक करेंगे न्यू पे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको फाइंड प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, बटन है फाइंड नेक्स्ट, क्राइटेरिया क्लोज। अगर आपने जो एंट्री किया है उसकी प्रीवियस एंट्री को आप देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे फाइंड प्रीव्यू में, तो आप देख सकते हैं कि आपको दिखा रहा है कि संतोष जो है वो आपका लास्ट एंट्री था, प्रीवियस एंट्री था। अगर आप संतोष से पहले का एंट्री देखना चाहते हैं तो आप फिर से फाइंड प्रीव्यू करें, फाइंड प्रीव्यू करें, तो देखिए विनय शो रहा है। अगर आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं यानी कि विनय के बाद की एंट्री देखना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट करें, तो आपको देखिए शो हो रहा है संतोष का। अगर मैं इससे काट देता हूं, इस फॉर्म को मैंने काट दिया और हमें अगेन एंट्री शुरू करना है यहां से, मैंने यहां छोटा सा ही टेबल लिया है, आपके केस में हो सकता है बड़ा हो, ओके ताकि आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने छोटा सा लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहां से एंट्री स्टार्टिंग करना है फिर से, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ कॉलम को सेलेक्ट करने से नहीं होगा, आपको जहां से लेकर जहां तक आपने एंट्री कर चुके हैं आप, वहां से लेकर वहां तक के डेटा को आपको सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक ह्यूज डेटा है, बहुत ही बड़ा डेटा है, तो आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे, तो आपको क्या करना है, डेटा के आपका जो टेबल है उसके फर्स्ट सेल में जाना है, देन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट और प्रेस करेंगे तो आपका जो हेडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन आपको शिफ्ट दबाते हुए नीचे आना है, ओके। उसके बाद आप अगेन फॉर्म में जाएं, उसके बाद आप न्यू पे क्लिक करें, अगेन आप एक एंट्री करके देखें कि आपका यहां आता है कि नहीं, नेक्स्ट पे आता है कि नहीं, ओके मैं आपको करके बताता हूं। देन न्यू, तो देखिए आपका एंट्री यहां से शुरू। अब चलिए हमने न्यू समझ लिया, फाइंड प्रीव्यू देख लिया, फाइंड नेक्स्ट देख लिया, अब क्राइटेरिया क्या हम ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक ह्यूज डेटा है, आपने एंट्री किया है और आपको
ढूंढना है कि गुजरात सिटी का, ओके आपको दिल्ली से, मान लीजिए दिल्ली सिटी का आपको एंट्री देखना है कि दिल्ली सिटी का हमें पूरा एंट्री शो हो, तो आपको क्राइटेरिया पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको आना है सिटी पे। अगर आप सिटी के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं तो आप सिटी पे आए, अगर एज के अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो एज पे जाएं। फॉर एग्जांपल मैं सिटी के लेकर काउंट फाइंड कर रहा हूं तो मैं सिटी पे आऊंगा। हमें देखना है क्या है, दिल्ली का, कि हमें दिल्ली का आप रिकॉर्ड दिखाओ, तो दिल्ली पे हमने लिखा, सिटी में दिल्ली लिखा। देन अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं, अगेन करते हैं, इससे पहले मैं क्या करना होगा, हमारे पूरे डेटा को लेना होगा, सिलेक्ट करना होगा, ओके उसके बाद फॉर्म में जाएंगे, देन जाएंगे क्राइटेरिया में, उसके बाद हम सिटी में लिख देते हैं दिल्ली, उसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको शो हो रहा है कि दिल्ली जिसका सिटी है उसका नाम है, फर्स्ट नेम है विनय, लास्ट नेम कुमार, ओके आपको इस तरह का पूरा डिटेल्स शो हो रहा है। अगर आप उसे किसी एक पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे क्राइटेरिया से ढूंढ ले, देन आप यहां से डिलीट पे चेक क्लिक करें, देन यहां आपको सामने एक पॉपअप आएगा, उस पे बाद आप ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां से विनय का जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है, ओके। तो आप इस तरह एक कंप्लीट डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में विदाउट वीवीए कोड की हेल्प से। आप मेरे इस ट्रेनिंग फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट computerstaracademy.weebly.com से। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।